चलो भाई हम लोग पूरी बीच पे पहुंच चुके हैं। चश्मा तो गया मेरा। पैसा कौन चाहिए हम लोग को? हाँ, और कपड़ा चाहिए, छोड़ी चाहिए, कहाँ लाएंगे हम? सब छोड़ी पटाता है, सब छोड़ी पटाता है। हेलो गाइज, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग। सो आज के इस ब्लॉग में गाइज मैं आप सभी को एक यूनिक से प्लेस पर लेकर जाने वाला हूँ, जहां पे जाने के बाद गाइज मेरे साथ साथ आपका भी दिल भाग भाग होने वाला है। सो फटाफट से मैं यहाँ पे सारा अपना लगेज वगैरह पैकिंग कर लिया हूँ, फोन वगैरह डाल ले रहा हूँ, चार्जर वगैरह डाल ले रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिप ना गाइज हम लोगों का 3 से 4 दिन का होने वाला है। और ये ट्रिप मैं किसी स्कूल के साथ नहीं जाने वाला हूँ, अपने टीचर लोगों के साथ नहीं जाने वाला हूँ, बल्कि हम लोग जाने वाले अपने फ्रेंड के साथ। और ये मेरा लाइफ का पहला ट्रिप होगा जिसमें मैं अपने फ्रेंड के साथ भाई 3 से 4 दिन का, वो भी लॉन्ग ट्रिप जाने वाला हूँ। अब अपने अम्मी और पापा को अलविदा करते और निकलते इस ट्रिप के लिए। और अम्मी और पापा ना इस ट्रिप से थोड़े से नाराज है, क्योंकि रेंडमली ये ट्रिप बना अचानक, और कल मैंने घर में आकर बताया तो अम्मी और पापा थोड़े से नाराज है कि तुम अचानक सब कुछ कर ले तो उसके बाद बताते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अचानक ट्रिप बना था, क्योंकि ना ईद है तो छुट्टी है 2-4 दिन, तो इसलिए अचानक ये ट्रिप बना, क्योंकि ईद के बाद फिर किसी का छुट्टी वुट्टी नहीं रहता है, तो अचानक से ये ट्रिप बना, इसलिए अचानक से बनाया अम्मी। इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बस नाराज मत रहो, क्योंकि इस ट्रिप में अगर जब तक अपने अम्मी और पापा का हंसी वाला चेहरा देखकर नहीं निकलेंगे ना, तब तक ये ट्रिप अच्छा नहीं बीतेगा, इसलिए भाई थोड़ा सा मनाना तो बनता है। ठीक है पापा, चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। चलो ठीक, हमारे आतिफ भाई आ चुके हैं, इस ट्रिप के पहले मेंबर आपको दिख गए यहीं पे, तो ये अभी हमें लेकर जाएंगे। हम लोग नीचे रोड तक जा रहे हैं, वहाँ पे फिर ओला करेंगे एंड देन डायरेक्ट हम लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे। चलो फाइनली गाइज हमारा ओला आ चुका है, और यहाँ से 2 और ग्रुप मेंबर मिल चुके हैं। अमन हाई कर दो भाई, अमन है, और फरान, फरान हाई कर दे। तो हम लोग अभी 4 लोग हैं, एक बंदा ऑलरेडी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है किसी और बंदे के साथ, तो वहाँ पे उनसे मिलवाऊंगा। चलो फटाफट से बैठते हैं एंड यहाँ से रेलवे स्टेशन निकलते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब चलो फटाफट से अंदर चलते हैं लगेज वगैरह लेकर, और फिर देखते हैं हमारा बोगी और सीट नंबर क्या क्या है। चल भाई चल, जल्दी चल, लेट हो रहा है। फाइनली गाइज जितने मेंबर थे हमारे इस ट्रिप में वो सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने अमन से आपको मिलवाया, फरहान से मिलाया, और इस ट्रिप के जो बंदे थे जिससे आप नहीं मिला था वो है अरबाज भाई, ये पहले आ गया था, हम लोग से पहले आ गया था भाई, थोड़ा रही से ना कार वार में आ जाता है ये बंदा, और तो हम लोग को छोड़ने आया है गुलफराज और अकबर। चलो अच्छा गाइस, जैसे हम लोग स्टेशन पहुंचे उसके बाद फिर बारिश आना शुरू हुआ। देख रहे हो भाई दोस्तों का मोहब्बत क्या होता है, क्या ठंडा हवा आ रहा है। देखो यही है हमारा ट्रेन रांची टू पुरी। चल चल भाई उड़िया जाकर चल, बाद में ब्लॉग बना, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी 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 इस बार काफी ज्यादा मजा आ रहा है हर बार से, क्योंकि इस बार हम सभी लोग फ्रेंड लोग एक साथ में। चलो स्नैक का टाइम गाइस हमारा हो चुका है, अब खिलाओ ना। ला रहे चंप चिंगड़ी और अचार है या सर, बैठिए पहले, बैठिए तो वीडियो बना रहा है। हां बैठिए ना, काहे बना रहे ब्लॉगर, बैठिए तो आप ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर हां तो होने देखा हो गया उसी में। अरे बैठिए ना, हम नहीं बनाएंगे। आप नरगिस को जानते हैं? नरगिस नहीं, जो हेड है झूठ मत बोलिए, नहीं जानता हम किसी को। दे 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 ट्रिप में जा रहे हैं, वो ट्रिप सक्सेसफुल भी थे। कपड़ा चाहिए, छोड़ी चाहिए, कहाँ लाएंगे हम? सब छोड़ी पटाता है, सब छोड़ी पटाता है।
चलो गाइज हमारे रात के खाने का वक्त हो चुका है, सारे बंदे लोग टूट चुके हैं। हम लोग अपने उंगली के हाथों का बना हुआ खाना लेकर आए, चलो फटाफट से खाते हैं, उसके बाद सोते हैं और सुबह उठते ही हम लोग अपने मंजिल पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली वन नाइट हमारा ट्रेन में बीत चुका है। और पता है रात भर भाई मेरे फ्रेंड लोग ना सोने नहीं दिए, मतलब 2 से 3 घंटे ही नींद मार रहा है, बाकी रात भर का जागा हूँ। लेकिन फिर भी वैसा लग नहीं रहा क्योंकि हवा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और नेचर काफ़ी अच्छा है, तो माइंड जो है बिल्कुल भी फ्रेश हो चुका है। तो चलो फटाफट से ब्रश करते हैं एंड फ्रेश होते हैं और फिर डायरेक्टली अब कुछ घंटे में हम लोग अपने मेन लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं साहिल एक बच्चा को कहां से उठा के ले आया है चोरी करके। स्मार्ट दिख रहा मतलब चोरी कर लोगे तो। हाँ, मम्मी पापा सोए हुए थे, उसको उठा के ले आया, बताइए। अब हम लोग साथ रहेगा, ये भी ब्लॉगर बनेगा, ये भी ब्लॉगर बनेगा। क्या बनेगा? ब्लॉगर, बोलो पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। फाइनली हम लोग पूरी पहुंच चुके। पहले यहाँ से हम लोग को जाना है गोल्डन ब्रिज पे, जो कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहाँ पे चलते हैं और फिर वहाँ पे कोई अच्छा सा होटल देखते हैं एंड बुक कर दे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं ट्रेन के सफ़र पे। उसके बाद फिर हम लोग गोल्डन ब्रिज पे जाएंगे एंड फुल इन्जॉय करेंगे बीच पे। तरफ है गाइस पूरी बीच, भाई फुल मजे करने वाले यहाँ पर। अभी फिलहाल अभी हम लोग लगेज उतारते हैं एंड पहले होटल पे चलते हैं, उसके बाद रुके भैया रुके, थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आके पूरी बीच के गोल्डन बीच में हम लोग फुल एंजॉय करेंगे। मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बार आ चुका हूँ तो मुझे कुछ वैसा नया सा एक्साइटमेंट नहीं लगा, लेकिन ये जो अमन है ना मेरे साथ, ये फर्स्ट टाइम है, तो कैसा लग रहा है भाई तुमको? बहुत अच्छा, अभी ही लग रहा है कि ये सब सामान फेंकूं और डेक जाऊं। होटल भी नहीं जाने खोज रहा भाई, ये बोल रहा है कि यहीं पे चलो बैग वैग रखते हैं और डायरेक्ट कूद जाते हैं समुद्र में। पिछले बार ब्लॉग में जो आपको कृष्णा भैया से मैंने मिलवाया था ना, तो उनसे ही मैंने बात किया है, वही हमारा होटल का जो अरेंजमेंट है वो कर रहे हैं। हेलो गाइस, हमारे कृष्णा भैया मिल चुके हैं उल्टू रोल में, भाई इनका जो बॉडी है ना वो देखने लायक है। तो क्या कृष्णा भैया, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? चलिए बस अब कृष्णा भैया हम लोगों के होटल का अरेंजमेंट कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आराम से रेस्ट लेके करके पानी के अंदर समुद्र में डायरेक्ट कूद जाएंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चलो गाइस फाइनली हमारा रूम बुक हो चुका है और कृष्णा भैया ने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया, इनके वजह से ऐसा रूम हमें मिला है। भाई देख सकते हो डबल बेड इधर, हम लोग आराम से 5 लोग यहाँ पे रह सकते हैं और रूम भी काफ़ी खूबसूरत सा है, मतलब क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, बाथरूम भी ठीक है, वाशरूम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, टीवी एलईडी वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग फुल एंजॉय करेंगे 3 दिन। कृष्णा भैया इसके लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने हमें अच्छा करूँगा। चलिए 3 दिन आपको बस हम लोग थोड़ा सा कंपनी देते रहना आपको जरूर। फाइनली गाइस हम लोग अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लिए हैं और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिए, तो अब चलते हैं फटाफट से पूरी बीच यानी कि गोल्डन बीच वहां पे जाते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि ट्रेन में हमने कुछ भी नहीं खाया है, सो जब तक पेट पूजा नहीं होगा तब तक काम पूजा नहीं होगा। ऐसे होटल में हम लोग रुके ना जहाँ पे लिफ्ट भी है। फिर से गाइस आपका पहाड़ी वाला ब्लॉग्स आ चुका है अपने ड्रीम प्लेस पूरी पे समुद्र के बीच पे। भाई काफी मजा आता है, यहाँ पे अलग सा वाइब है, ठंडा हवा चल रहा है ना, जबकि अभी तक समुद्र में उतरे भी नहीं है। चलो गाइस चलते हैं समुद्र पर। भाई लोग बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? भाई यहाँ पे गर्मी है लेकिन गर्मी का एकदम एहसास नहीं हो रहा है यहाँ पे आने के बाद, एकदम ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है। यहाँ पे हल्फा इतना ऊंचा उठ रहा है ना कि भाई समुद्र से बीच पे कब फेंक दे रहा पता भी नहीं चल रहा, इसलिए अंदर तो खासकर फोन लेकर और चश्मा लेकर जाना नहीं है। तब रिक्स ले ही लेता हूँ आईफोन को लेकर, लहर के अंदर चलता हूँ समुद्र के, देखता हूँ क्या होता है, लेकिन कैसे पकड़ना है फोन को, देखो कितना ऊंचा लहर उतरा वहाँ पे।
ओ भाई देखो कितना ऊंचा उठ रहा है। आ रहा आ रहा। चश्मा तो गया मेरा। अबे चश्मा चल गया, देख आएगा बाहर आएगा, देखना तो वाइट चश्मा होगा आएगा। देखा मैंने बोला था ना कि चश्मा लेकर और फोन लेकर जाना नहीं है, वरना दोनों में से कोई एक ही आएगा। फोन तो बच गया लेकिन चश्मा चला गया मेरा। सो पूरी बीच पर गाइस हम लोग सुबह आए थे और नहा वहा कर फिर से होटल जाकर खाना वाना खाकर फिर आए थे, क्योंकि मैं ना जब पूरी आने वाला था ना तो उस वक्त एक पोस्ट डाला था कि जो भी लोग मुझे पूरी से फॉलो करते देखते हो वो अगर मिलना चाहते हो तो पूरी बीच पे आ सकते हो, हम लोग मुलाकात करेंगे। बट बैड मोमेंट, अभी तक कोई भी नहीं आए। मैंने इस लोकेशन का जो है ना, मतलब ये लोकेशन बताया था कि यहाँ पे आके 3 बजे के आसपास हम सभी को रहना है, बट कोई नहीं आया। और इससे पहले एक ब्लॉग डाला था पूरी वाला, तो वहाँ पे भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि साहिल भाई आप जब आने वाले थे तो पहले क्यों नहीं बताया था कि मैं पूरी आ रहा हूँ। तो मैं सोचा कि सेकेंड टाइम जाऊँगा तब बताऊँगा, अब सेकेंड टाइम आया हूँ तब बताया, तो अभी तक कोई भी नहीं आया। दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खुले अपनी बाहें, हर एक पल एक नए समुद्र में। तभी हम लोग नहाए थे और देखो भाई इतना सारा कपड़ा हमने फिर आकर यहाँ पे रूम में भी नहाया और कपड़ा इतना सारा खींच दिया हमने। मैंने फींचा है। तुमने फींचा है, हाँ मैंने भी फींचा है। तो अब चलते हैं इसको सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे घाट देते, वरना कपड़ा सूखेगा नहीं, फिर कल भी पहन के इसको ही नहाना है। ये सब मजा आता है, कहीं पे बाहर जाओ तो सारा काम खुद करना पड़ता है, बस यहाँ पे हम लोग खाना नहीं बना रहे, बाकी सारा काम खुद ही कर रहे। चलो अब सबसे ऊपर वाले फ्लोर से मैं आप सभी को पूरी बीच दिखाता हूँ। भाई क्या ही नजारा यहाँ पे से आ रहा है गाइस, देखो ये है सामने हमारे। हमने समुद्र के थोड़ी दूरी पे ही अपना होटल लिया ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अब देख सकते हो यहाँ से भाई क्या ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है इस पूरी का। सबसे शरीफ बंदा ये है, सारे लोगों का कपड़ा पता है, ये और मैं मिलकर धोया हूँ। हाँ नहीं धोया, कहे झूठ बोला भाई, हट रहा हूँ नहीं धोया। फिलहाल गाइस अभी हो चुके हैं शाम के 6 और हम लोग बीच से आके फिर दोबारा आकर नहा लिए और थोड़ा रेस्ट किए, और हम लोग ना पूरी पे लगभग 3 दिन रुकने वाले। सो इस 3 दिन में भाई पहले दिन ही रूम का हाल देखो, ये लोग बंदे लोग मिलकर क्या कर दिए। सो फिलहाल मैं रूम नहा लिया हूँ, ये लोग अभी तक फ्रेश वगैरह नहीं हुए, सो तब तक ये लोग जैसे फ्रेश होते मैं रूम को थोड़ा बहुत साफ कर देता हूँ, क्योंकि इस रूम में मुझे, मतलब मुझे नहीं हमें 3 दिन रहना है, तो काम तो हमें ही करना पड़ेगा। अभी अंधेरा हो चुका है और हम लोग अगेन आ चुके हैं गोल्डन बीच पे, और अभी भाई क्या ही मस्त यहाँ से ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मैं जो ड्रीम देख रहा था ना वो ड्रीम मैं जी रहा हूँ, इस तरीके का फील मिल रहा है। और अभी उस तरफ जो आपको लाइट वगैरह दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे काफ़ी बड़ा इस बीच के अंदर बाजार लगाया जाता है। सो जो फ्रेंड हमारे साथ नहीं आ पाए और मेरे फैमिली लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोले थे आने के वक्त कि कुछ ना कुछ लेकर आना, क्योंकि वो लोग का आस होता है कि अगर ये बंदा गया है ना तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आएगा। सो उनके लिए भी शॉपिंग करना है और अपने लिए भी कुछ देखना है। सो पहले इस वादियों का मजा ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कुछ बहुत शॉपिंग करेंगे। यहाँ का स्पेशल ट्रेडिशन सैंड आर्ट जिसे हर दिन बनाया जाता है, और ये हर दिन समुद्र का जो पानी है ना उस पानी से ही ये बह जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी रात में ना देख रहे हो अभी वहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक आ जाता है। और इस सैंड आर्ट को जो भी बनाते हैं ना भाई उनके हाथों का दांत देना पड़ेगा भाई, रेत से इतना अच्छा कलाकृति बनाना ये कोई आम बात नहीं है। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं कृष्णा भैया के दुकान पे, यहाँ पे देखो कुछ अच्छा लगता है तो फोन किया, कौन रिसीव नहीं किया, क्या चीज कॉल अभी हमको किए थे आप, हार गया। एक मिनट एक मिनट। इस गोल्डन बीच वाले बाजार से मैंने काफी कुछ शॉपिंग कर लिया है, और सारा शॉपिंग ना मेरे सेटअप को लेकर है,
बाकी सोच रहा हूँ कि फैमिली और दोस्तों के लिए कल करूँ, क्योंकि कल भी हम लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं, कल करूँगा उन लोगों के लिए आराम से।